20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पनू एक बहुत ही अहम आपको अपडेट के साथ हम रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो कि मंडी डबवाली से है, जहां पर डबवाली के तमाम हॉस्पिटलों में एक चोर की वजह से हड़कंप मचा है। दरअसल ये एक ऐसा शातिर बाइक सवार चोर है जो बारी बारी से सभी डबवाली के हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाता है। दरअसल हुआ यूँ कि ये चोर इतना शातिर है जो बेखौफ तरीके से बिना किसी डर के पहले हर हॉस्पिटल की ये रैकी करता है, फिर उसके बाद एक नकाब को बांधकर, एक मास्क और सिर पर एक लाल रंग की कैप डालकर और एक कोट डालकर ये किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बिना किसी खौफ के एंटर होता है। एंटर होते ही सबसे पहले इसकी कोशिश डॉक्टर के, जो मुख्य रूम है किसी भी डॉक्टर का किसी भी हॉस्पिटल में, उसमें दाखिल होता है और वहाँ पर इसका निशाना होता है सबसे कीमती कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या फिर इससे जुड़ा कोई भी उपकरण जो रीसेल हो सके, उसी को ये निशाना बनाता है। दरअसल डबवाली के काफ़ी जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल हैं, उनमें चाहे आप अग्रवाल हॉस्पिटल की बात करें, डॉक्टर कटारिया साहब की बात, कटारिया हॉस्पिटल की बात करें, राज हॉस्पिटल की बात करें और शिव लैब की हम बात करें, और इसके अलावा भी और भी चंडीगढ़ हॉस्पिटल की हम बात करें, तो ये तमाम ऐसे हॉस्पिटलों को इस शातिर चोर ने अब तक अपना निशाना बनाया है। सबसे बड़ी बात है, इसकी कामयाबी राज हॉस्पिटल से मिली है इसको, जहां पर इसने एक बहुत कीमती डॉक्टर का, खुद का, डॉक्टर मुकेश जी का लैपटॉप वहां से चोरी किया है। हम आपको बारी बारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, ये चोर कितना शातिर है जो बेहतरीन चाल के साथ अपने बाइक पर रहता है। इस बाइक जो कि प्रथम दृष्टि के साथ अगर इस बाइक को देखें तो ये एक स्प्लेंडर प्लस बाइक समझ में आती है कि इस टाइप की इसके पास बाइक है, जिसके कोई नंबर नहीं है, ब्लैक कलर की इसकी बाइक है और बेखौफ तरीके से। और दूसरी एक और हम आपको हम बात बताते हैं, वो ये खास है कि इस चोर का समय भी निर्धारित है, ऐसा नहीं कि ये रात के वक्त में चोरी करेगा या फिर दोपहर को आएगा, इसका समय है सुबह का, करीब 7:30 बजे या 8:30 बजे के बीच में ये हॉस्पिटल को टारगेट करता है, क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट यानी कि मरीज नहीं होते हैं, हर हॉस्पिटल में मूवमेंट जीरो होता है। हाँ, इतना ज़रूर है सुबह सुबह 7:30-8 बजे सफाई का वक्त होता है, पोछा झाड़ू का वक्त होता है हर हॉस्पिटल में, और उसी वक्त ये शातिर चोर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद सीधे ये मुख्य उस रूम में जाता है जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का रूम होता है, क्योंकि इसे पता होता है कि जहाँ पर डॉक्टर पूरा दिन चेकअप करता है, जाहिर सी बात है वहाँ पर काफ़ी कीमती चीज़ें होंगी, उसकी घड़ी रह सकती है, उसका मोबाइल रह सकता है, उसका लैपटॉप हो सकता है, उसका कोई बहुत ऐसा कीमती इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो उसके चेकअप में काम आता हो, तो उसी को ये टारगेट करता है। जैसे ही पहले इसकी जो ट्रेस कहाँ से हुआ हम आपको वो बताते हैं, इसने पंजाब के किल्लेवाली डवाली के सीमावर्ती राज हॉस्पिटल में ये दाखिल होकर वहाँ पर इसको कामयाबी मिली कि इसने वहाँ पर एक बहुत ही कीमती डॉक्टर का लैपटॉप चोरी किया, और करीब 2 से 2.5 मिनट का समय इसने डॉक्टर राज हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर साहब है उनके कमरे में इसने बताया, और बिल्कुल बिना किसी डर के, ऐसा मानो इसे किसी का कोई डर नहीं है। निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि डबवाली में ना सिर्फ ये डॉक्टर निशाना है बल्कि चोर गिरोह कई तरीके अलग अलग पैटर्न में काम करता है। आप बाइक चोर की बात कर लीजिए, आप गाड़ियों के चोर की बात कर लीजिए, आप दुकानों के शटर ताले तोड़ने वाले चोर की बात कर लीजिए, हर तरह के चोर समय समय पर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन डबवाली का पीछा पिछले करीब 6 महीनों से बाइक चोर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हर हफ्ते शहर के, चाहे बस स्टैंड रोड से बात करें, चाहे पंजाब बस स्टैंड से आप बात करें, सब्जी मंडी से बात करें, शहर के सरकारी हॉस्पिटल से बात करें, ये ऐसे टारगेटेड एरिया हैं जहां पर चोर बेखौफ तरीके से चोरी को, घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा हड़कंप तमाम हॉस्पिटल संचालकों में मचा है, क्योंकि ना सिर्फ इसके टारगेट पर हॉस्पिटल बल्कि
तमाम बड़ी वो यहाँ की लैब भी है जो ये चोर उनको टारगेट पर करता है। अब तक 5 हॉस्पिटलों को इसने निशाना बनाया है। डॉक्टर जो अग्रवाल साहब का हॉस्पिटल है वहाँ पर ये दाखिल हुआ था, वहाँ पर इसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद शिव लैब में दाखिल हुआ, वहाँ भी ये कामयाब नहीं हो पाया। कटारिया हॉस्पिटल में भी गया, नहीं कामयाबी मिली। चंडीगढ़ हॉस्पिटल गया, नहीं कामयाबी मिली। लेकिन राज हॉस्पिटल में इसका राज आखिर चला और इसने लैपटॉप को वहाँ से चोरी किया है। फिलहाल पुलिस को भी प्राथमिक दृष्टि से सूचना दे दी गई है और पुलिस भी इसमें यही कह रही कि पुलिस जल्द से जल्द इस चोर का पता लगाएगी। पुलिस को तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो भी उपलब्ध करवाई गई है और अब पुलिस इसको कई एंगल से जोड़कर देख रही है कि क्या यह चोर वाकई में किसी हॉस्पिटल में रैकी करता है। हमारे सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये चोर एक पेशेंट बनकर भी आता है, यानी कि ये मरीज भी है और चोर भी है। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने चोर बहुत देखे होंगे लेकिन ये एक ऐसा पहला चोर है जो खुद मरीज भी है, लाचार भी है, गरीब भी है। वो किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल होता, अगर वो उसको किसी को शक होता है तो वो अपना चेकअप करवा सकता है। ये भी हो सकता है कि इसने कई डॉक्टरों से अपना चेकअप भी करवाया और उसी चेकअप के दौरान इसकी निगाह डॉक्टर के कमरे में रहती है, उसकी टेबल पे रहती है, लेकिन डॉक्टर की निगाह उसकी हार्टबीट पे रहती है कि ये बेचारा मरीज मेरे लिए एक बहुत बड़े मेरे लिए मेरे सेवा के लायक है कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन इस चोर की चाल कुछ और है। हम आप सबके लिए एक जरूरी सूचना देते हैं, आप सावधान रहिए क्योंकि आप भी कोशिश करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चोर जल्द से जल्द ट्रेस हो सके और शहर के तमाम डॉक्टरों के बीच में जो एक संकट पैदा हो गया है कि वो भी अब कैसे इस तरीके से यकीन करें कि उनके हॉस्पिटल में हर आने वाला शख्स मरीज ही होगा या फिर वो चोर भी हो सकता है। कई बड़े सवाल जो मरीजों को झेलने पड़ेंगे, लेकिन हाँ जरूर है इतना कि डॉक्टरों को भी अब चौंकाना रहना होगा, आम आदमी को चौंकाना रहना होगा, क्योंकि जिस तरीके से चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में पुलिस के भी एक कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं। आखिर पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस के हौसले के सामने चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।